असलम गाइज़ वेलकम बैक टू माई youtube चैनल सेल्फ़ स्टडी विद फ़रहान सो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास पंजाब बोर्ड का क्लास दम का मैथमेटिक्स का पेपर मौजूद है इस पेपर को डिस्कस करेंगे आपके साथ ताकि आने वाला पेपर आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ हो सके ऐसा अमूमन होता है कि बहुत से क्वेश्चन पास्ट पेपर से आ जाते हैं और ये पास्ट पेपर है टू का सो so डिस्कस करते हैं इसे फर्स्ट पोर्शन नाइन में से सिक्स पार्ट्स आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन और वहाँ पे है फर्स्ट पार्ट डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड पार्ट को देखें सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्केर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो थर्ड पार्ट में फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव टू जीरो फोर्थ क्वेश्चन है अवेलबेट वन माइनस थ्री मेगा माइनस थ्री मेगा स्केयर होल एस टू पार फाइव 5th question if alpha beta are the rows of the equation x square plus px plus q is equal to 0 then evaluate alpha square plus beta square 6th question they can use synthetic division to find the quotient remainder when x square plus 7x minus 1 is divided by x plus 1 7th question if 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y फाइन द रेशो एक्स वाई एट्थ क्वेश्चन इफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर एंड ए इज इक्वल टू टू वैन आर इज इक्वल टू थ्री फाइंड आर वैन ए इज इक्वल टू सेवन टी टू सो लास्ट वन क्वेश्चन नाइन्थ है फाइंड अ फोर्थ प्रपोर्शनल टू फाइव एट एंड फिफ्टीन सेकेंड पार्ट में भी सिमिलर वर्क है आपने नाइन में से सिक्स पार्ट्स करने हैं और वहाँ पर फर्स्ट पार्ट है डिफाइन इम प्रॉपर फ्रैक्शन रिजोल्व द पार्शल फ्रैक्शन इन टू प्रॉपर फ्रैक्शन ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसको आपने प्रॉपर पार्शल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है कोई मुश्किल बात नहीं है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन बाइंड्री रिलेशन फोर्थ क्वेश्चन इफ एक्स इज इक्वल टू अ सेट वन फोर सेवन नाइन एंड वाई इज इक्वल टू अ सेट टू फोर फाइव नाइन देन वाई और एक्स का यूनियन फाइन करना है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी का सेट है और वाई इज इक्वल टू डी ई का सेट है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई एंड वाई क्रॉस एक्स बहुत ही सिंपल काम है जिसका आर्टिजियन प्रोडक्ट ही फाइंड करना है सेवंथ क्वेश्चन देखें यहाँ पे डिफाइन अरिथमेटिक मीन एट्थ क्वेश्चन फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेटा गिवन है आपने रेंज फाइंड करनी है नाइन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइन हारमोनिक मीन फॉर द डेटा डेटा आपके साथ सामने मौजूद है एक्स ट्वेल्व फाइव एट एंड फोर फोर्थ पार्ट में आपने नाइन में से सिक्स पार्ट करने हैं प्रूव दैट कॉज रे सुपार फोर थीटा माइनस साइन रे सुपार फोर थीटा इज इक्वल टू कॉज स्केर थीटा माइनस साइन स्केर थीटा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसको आपने सॉल्व करना है Second part, what is radian measure of the central angle of an arc 50 meter long on the circle of the radius 25 meter? Third question, express 300 degree angle into radian. Fourth, define acute angle. Fifth, what is meant by chord of a circle? Sixth, define secant. Seventh question, has segment of a circle key definition. Eighth question, has circum angle. And last one question, has diameter of a circle. बहुत ही इजी सी डेफिनेशनज हैं ये एंड देन आपके पास आता है पार्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आपने टोटली थ्री क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं फाइव में से बट जो क्वेश्चन नाइन होता है वो कंपलसरी होता है यानी क्वेश्चन नाइन आपने करना है और इसके अलावा आपने कोई से भी दो क्वेश्चन करने हैं जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो लाजमी है उसे आप छोड़ नहीं सकते फिफ्थ का ए पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्र एक्स स्केर माइनस टू एक्स माइनस वन नाइनटी फाइव इक्वल्स टू जीरो सेकंड बी पार्ट है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर सिक्स का ए पार्ट है बी इज इक्वल टू सी रेशो डी एंड ए बी एंड सी डी नॉट इक्वल्स टू जीरो बाय यूजिंग के मेथड शो दैट फोर ए माइनस नाइन बी ओवर फोर ए प्लस नाइन बी इज इक्वल्स टू फोर सी माइनस नाइन डी ओवर फोर सी प्लस नाइन डी बी पार्ट आसान सा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन आपके सामने फ्रैक्शन मौजूद है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है सेवन का ए बी पार्ट और एथ का ए बी पार्ट आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नाइन को डिस्कस कर लेते हैं प्रूव दैट द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्व डिस्टेंस फ्राम द सेंटर आर कंक्रंट एंड इसके अलावा आपके पास चॉइस भी है नाइन्थ क्वेश्चन में आप दोनों में से एक क्वेश्चन जो है एक थ्योरम जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं इट्स ओवर टू यू आप को जो फर्स्ट है वो इजी लगता है या सेकंड इजी लगता है आप उसे कर सकते हैं जो बी पार्ट है प्रूव दैट द दा अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी कोडिलेटरल क्वारेट, इंस्क्राइबड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री तो ये थ्यूरम था होल पेपर हमने आपके साथ डिस्कस किया है थैंक यू फॉर वॉचिंग Please don't forget to like and subscribe my channel, Allah. Afiz.